पार्ट 11 सीएफटी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी सीएफएसी क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी हम कैलकुलेट कर रहे हैं D4 सिस्टम यानी ND4 सिस्टम ऑक्टाहेड्रल फॉर हाई स्पिन एंड लो स्पिन के लिए। तो ये वाले क्वेश्चन आपको मल्टीपल चॉइस टाइप के क्वेश्चन आपको बीएससी और एमएससी बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर और एमएससी प्रीवियस के लिए देखे जाएंगे। जब आप तैयारी करते हो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जैसे यूसेट नेट CSIR नेट और गेट में कोई भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको दिख जाएंगे और ये क्वेश्चन आपके LTO लेक्चर के लिए भी आएंगे जिसमें आपको कैलकुलेट करना है। ध्यान ही देना, इसमें तो हमने सिस्टम डायरेक्ट ही देख लिया है और बता दिया है ऑक्टाहेड्रल और हाई स्पिन लो स्पिन के लिए। जब कभी कॉम्प्लेक्स होगा तो कॉम्प्लेक्स को आपको आइडेंटिफाई करना होता है। कॉम्प्लेक्स की वीडियो मैंने डाल रखी है 1 से लेके 5 तक CFT में प्ले लिस्ट में ये डाल रखी है जिसमें हम आइडेंटिफाई करते हैं लिगेंड के हिसाब से देखते हैं ऑक्टाहेड्रल है या टेट्राहेड्रल है और देन लिगेंड के हिसाब से नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर से ऑक्टाहेड्रल टेट्राहेड्रल को आइडेंटिफाई करते हैं। देन हाई स्पिन लो स्पिन को हम नेचर ऑफ लिगेंड के हिसाब से देखते हैं। सपोज करो लिगेंड CN NH3CO है और 6 नंबर है कोऑर्डिनेशन नंबर, तो ये ऑक्टाहेड्रल होगा और कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, इलेक्ट्रॉनों को पेयर कर देगा डी ऑर्बिटल में, तो ये कहलाएगा लो स्पिन। अब ऐसे ही है कोई कॉम्प्लेक्स हमारे पास है उसमें लिगेंड वीक है, सपोज करो हैलोजन है, क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन एंड वाटर है H2O और OH ग्रुप है, तो इससे हम देखेंगे नंबर ऑफ लिगेंड 6 है, ऑक्टाहेड्रल है, लेकिन जो आपके लिगेंड है वीक लिगेंड है ये इलेक्ट्रॉनों को पेयर नहीं कर सकते डी ऑर्बिटल में, तो इससे हम ये आइडेंटिफाई करेंगे कि ये हाई स्पिन है, मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो ठीक है, आगे बात करते हैं हम पार्ट 11 क्रिस्टल फील्ड थ्योरी CFT इनऑर्गेनिक का चैप्टर है जिसमें हम CFSE ऑफ D4 सिस्टम ऑक्टाहेड्रल हाई स्पिन लो स्पिन को कैलकुलेट कर रहे हैं। तो दो पार्टों में हम इसको कैलकुलेट करेंगे। नंबर पहला देखिए ND4, यहाँ पर N प्रिंसिपल नंबर है, ये CFSE प्रिंसिपल नंबर पे डिपेंड नहीं करती है, ये 3D 4D 5D 6D कुछ भी हो सकता है, इस पर डिपेंड नहीं करती, डिपेंड करती है ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन और सिस्टम पे। तो देखिए इसमें हम ऑक्टाहेड्रल के लिए देख रहे हैं ND4 ऑक्टाहेड्रल फॉर हाई स्पिन सिस्टम या कॉम्प्लेक्स। इसी से हमें पता चल जाना चाहिए कि हाई स्पिन है तो लिगेंड वीक होगा, इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं होंगे, मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। तो ठीक है, बात करते हैं आगे ऑक्टाहेड्रल के लिए 2 ऑर्बिटल टॉप 3 ऑर्बिटल बॉटम। 2 ऑर्बिटल के लिए E से डिनोट करते हैं, 3 को T2 से करते हैं। अब बात करते हैं ऑक्टाहेड्रल है तो यहां पर G आ जाएगा, टेट्राहेड्रल में G हट जाता है। इलेक्ट्रॉन कितने हैं 4, जो हम इलेक्ट्रॉनों को फील करते हैं ऑर्बिटल में इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी में होता है ऑर्बिटल में, सबसे लोएस्ट एनर्जी इनकी होती है फिर हाइस्ट इनकी होती है। तो देखिए 1 2 3 4 यहां से पता चल गया है कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 4 है, तो मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो मैक्सिमम स्पिन मल्टीप्लिसिटी होगी, तो ये कहलाता है हाई स्पिन। ठीक है, अब देखिए n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ईजी ऑर्बिटल्स कितने हैं, 1। ईजी की वैल्यू एनर्जी इन ईजी ऑर्बिटल्स बेरी सेंटर के ऊपर है प्लस, देन नीचे 3 ऑर्बिटल है मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 6 DQ एंड m है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन T2G ऑर्बिटल्स 1 2 3, T2G एनर्जी ऑफ T2G ऑर्बिटल्स नीचे है माइनस ऊपर 2 ऑर्बिटल मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 4 DQ 10 से डिवाइड करेंगे तो इसको प्लस 0.60 ये माइनस 0.40 आ जाएगा। तो अब फॉर्मूला है CFSE n इंटू EG प्लस m इंटू T2G, ये वैल्यू हमने ऊपर रखी है तो इस वैल्यू को इसमें पुट अप करते हैं, n है 1 इंटू 6 प्लस 3 इंटू माइनस 4, तो देख लीजिए 6 एंड माइनस 12 कितना हो जाएगा, माइनस 6 DQ हो जाएगा, माइनस 6 DQ या 10 से डिवाइड करेंगे तो CFSE आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा CFSE
माइनस 0.6 डेल जीरो, ये है। इसको हम लास्ट में देखेंगे। अभी तक D1, D2, D3 की एनर्जी हाई स्पिन लो स्पिन के लिए सेम आ रही है, यहां चेंज आ जाएगी। सेकेंड ND4 ऑक्टाहेड्रल फॉर लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, इसके लिए देखिए 2 ऑर्बिटल टॉप में 3 बॉटम में, ई टी टू जी के लिए क्या हो जाएगा ऑक्टाहेड्रल। अब ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो इलेक्ट्रॉनों को पेयर करेगा, 4 है देखिए, 1, 2, 3 एंड 4। यहां पर एनपीडी इलेक्ट्रॉन 4 थे, यहां पर एनपीडी इलेक्ट्रॉन 2 है, तो ये लो स्पिन हो गया स्ट्रॉन्ग लिगेंड के कारण। एन की वैल्यू देखिए ऊपर कुछ भी नहीं है, 0। ई जी की वैल्यू 6 DQ। देन एम कितने हैं, 1, 2, 3, 4। टी टू जी की वैल्यू -4 DQ। फॉर्मूला यहां पर सी एफ एस सी एन इंटू ई जी प्लस एम इंटू टी टू जी, इसको हम इसमें पुटअप कर देंगे वैल्यू को, ये हो जाएगा 0 × 6 प्लस 4 × -4। ये तो 0 × 6 0 आ गया, ये आ जाएगा -16 DQ, या 10 से डिवाइड करेंगे, सी एफ एस सी आपकी आ गई -1.6 डेल 0। तो ये वैल्यू आपकी चेंज रहती है। हाई स्पिन के लिए -0.6 डेल 0 आई और लो स्पिन के लिए -1.6। यहाँ पर माइनस की वैल्यू ये नहीं है, यहाँ पर माइनस से ये अर्थ मत लगाना कि ये वैल्यू छोटी है और ये बड़ी है, तो वही वैल्यू आपकी वही मानी जाती है जिसका डिजिट बड़ा होता है। माइनस और प्लस का इसमें ध्यान मत देना, पैरामीटर से है। तो इसमें जो मैक्सिमम एनर्जी होती है वो किसके लिए होती है, D4 ऑक्टाहेड्रल लो स्पिन के लिए ज्यादा आ रही है, ये वाला ध्यान देना। ये अगर आपने साइन माइनस का देख लिया, ये माइनस का देख लिया, तो वैल्यू बड़ी ये लग रही है, तो हमेशा माइनस इसमें साइन नहीं देखा जाता है, तो वैल्यू बड़ी कौन है लो स्पिन के लिए, यही इसमें ध्यान देना है। तो ये हमारा कंप्लीट हो चुका है, D4 से चेंज आना शुरू हो चुका है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थैंक यू सो मच।